दोस्तों आपको क्या लगता है, जब भी किसी शेयर में अपर सर्किट लगता है तो उसमें लोगों के पैसे बनते हैं? तो हाँ, पैसे ज़रूर बनते हैं, लेकिन उसके बनते हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहता है उस शेयर में। जो बीच में सीढ़ी को पकड़ता है उसके तो बिल्कुल पैसे नहीं बनते। मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये तक भागा और उसमें 50 रुपये के बाद से अपर सर्किट स्टार्ट हो गया। अगर आप सोचेंगे 70 रुपये पे या 80 रुपये पे आप एंट्री मार लें और आपको वो सीढ़ी मिल जाएगा ऊपर तक ले जाने के लिए, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो क्यों, वो इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई शेयर भागता है तो जो बंदा पहले से इन्वेस्टेड रहता है और जैसे ही वो शेयर नॉर्मल होता है, जहाँ जाकर वो रुकता है, अपर सर्किट उसका खुल जाता है, तो वहाँ पे वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और वहीं से फिर से लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाता है और वो शेयर फिर कंटिन्यू लोअर सर्किट पे चलने लगता है। मैक्सिमम शेयर में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। इसलिए बीच में कभी भी ऐसी सीढ़ी को नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप भी उनमें से एक हो जो सोचते हैं कि अपर सर्किट चल रहा है उसमें इन्वेस्ट कर लें और बहुत ज़्यादा पैसे बन जाएंगे तो उसमें से पैसे फंसते हैं, तो उन सबों से दूर रहें। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसे एक स्टॉक की हम बात करेंगे जिसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है और उसमें वैल्यू बाइंग बची हुई है कि नहीं बची हुई है, हम ये भी चेक करेंगे। क्योंकि वो 555 का हाई बनाने के बाद उसमें करेक्शन आया और वो 30 रुपये तक आ गया था। ऐसा नहीं कि कंपनी में बहुत बड़ी डिजास्टर आ गई थी या बहुत बड़ा कुछ हो गया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि कंपनी के बिजनेस में कोई खास इफेक्ट नहीं था। लेकिन लॉकडाउन और आपको पता होगा कोविड-19 के कारण वो शेयर करेक्ट होते होते 30 रुपये तक आ गया था। तो अभी आपके उस शेयर को ख़रीदना चाहिए? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों पहले एक महीने का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, 555 रुपये पर चलने वाला ये शेयर था, जो कि 1 दिसंबर 2017 को ये बनाया था अपना 555 का लेवल, और उसके बाद इस शेयर में करेक्शन स्टार्ट हो गया। आप देखेंगे इसका जो उस दिन का हाई बना था 555 रुपये 55 पैसे का, जो कि बना था 1 दिसंबर 2017 को, इस डेट को ज़रूर याद रखें। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद से, ये मंथली चार्ट है, उसके बाद से कंटिन्यूस इसमें गिरावट ही आ रही है और ये शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, चलिए आगे बात करते हैं। पहले इनका कुछ फंडामेंटल से देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स की बात करा जाए तो मार्केट कैप आप देखेंगे 273.86 करोड़ का है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात किया जाए फेस वैल्यू का, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू रहा है, पी जीरो में चल रहा है, जीरो का मतलब माइनस में चल रहा है। अगर पीवी की बात करें तो 1.03 का रहा है। डिविडेंड 0%, यानी कि पिछले 5 सालों में शेयर ने कोई भी डिविडेंड पेड नहीं किया है। कैश की बात कर लेते हैं, 67.50 करोड़ रुपये इनके पास कैश पड़ा हुआ है, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। जबकि डेप्ट की बात करें तो 23.98 करोड़ रुपये डेप्ट में है, यानी कि इससे ज़्यादा तो इनके पास कैश है, तो डेप्ट की कुछ खास दिक्कत नहीं है। जबकि बात कर लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो 52.37% रहा है, अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो -6.31% रहा है, नॉट बैड। अगर प्रमोटर्स ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 1.45% रहा है, ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बिजनेस इफेक्ट था, इसीलिए जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस में भी चल जाएगा और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसे बिजनेस से बिलोंग करता है जो शायद बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.54% रहा है, ठीक है, ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट डिटेल की, तो दोस्तों आप कंपनी का नाम भी देख सकते हैं, V2 रिटेल। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर बहुत टाइम से अपर सर्किट पे चल रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इस टाइम ये 80 रुपये 30 पैसे तक पहुंच चुका है और आज भी ये ऊपर, यानी कि अपर सर्किट पे ही देखने को मिला। तो इनके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो प्रमोटर्स के पास आपको मैं बता चुका हूँ 53.62% रहा है, जबकि FIIs भी इंक्लूडिंग है 6.45% में, म्यूचुअल फंड 1.52% में, और म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक कम भी किया हुआ है, यानी कि वो भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं। अदर DIIs की बात करें तो 0.01%, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशन 38.41%, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। तो नेक्स्ट जो डिटेल है, रिटर्न के पोर्टफोलियो है, और ये देखना सबसे ज़रूरी होता है। एक हफ्ते में 27.46% का रिटर्न दे चुका है ये शेयर। अगर एक महीने की बात करें तो 63.54% का, जबकि 2020 यानी 1 जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो ये -22% पे रहा है। एक साल में -26% का रिटर्न, 3 सालों में -84% का रिटर्न,
जबकि 5 सालों में, आगे की डिटेल की बात किया जाए तो 5 सालों में 31.64% रहा है, जबकि 10 सालों में 151.33% का रिटर्न मिला है। यानी पिछले एक महीने से बात किया जाए तो पिछले एक महीने से ये शेयर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और पिछले एक महीने से आप देख सकते हैं 63% तक का रिटर्न दे चुका है, और तब से शायद ये अपर सर्किट पे ही चल रहा है। तो चलिए आगे का डिटेल देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। तो आज अगर आप देखेंगे तो आज भी ये अपर सर्किट पे रहा है, और पिछले 10 दिनों के रिटर्न की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले 10 दिनों में ये 57.76% का रिटर्न दे चुका है। यानी पिछले 10 दिनों से, एक महीने का जो रिटर्न आप देख रहे हैं, पिछले 10 दिनों से ये 50% से ज़्यादा का रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस शेयर में। यानी उससे पहले जिनके पास ये स्टॉक होगा उनके तो मज़े हो गए होंगे। तो चलिए और डिटेल की बात कर लेते हैं। तो और डिटेल की बात करें तो 52 वीक हाई की बात करें तो 127 रुपये का रहा है 52 वीक हाई। लेकिन आपने देखा होगा 2017 में ये शेयर 550 का अपना हाई बना रहा था, जबकि 52 वीक लो की बात करें तो 31.50 का, जैसा मैंने कहा 30 रुपये तक आ गया था। तो आप देख सकते हैं 31.50 का लो बना रहा है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पी की। पी आप देखेंगे तो माइनस में था, -36.78 का है पी भी, वो भी 0.98 का रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी -2.67 का रहा है। तो नेक्स्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अगर इनके अगर रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो सितंबर 19 से सितंबर 20 का कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 19 में 150.68 रहा है, सारी वैल्यू जो है करोड़ में है। तो आप देख सकते हैं वहीं सितंबर 20 में ओनली 85 रहा है, यानी कि लगभग 43% की गिरावट देखने को मिली थी नेट सेल्स में। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -63.69% का रहा है, यानी काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिला है इन शेयर्स में। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में इसमें आपको पॉजिटिव शो कर रहा है, बट क्या ये पॉजिटिव है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि सितंबर 19 में -10 का चल रहा था, जबकि वही कम होकर -7 पे आ गया, यानी कि वो जो थोड़ा सा कम हुआ है उसको वो प्लस में शो कर रहा है, बट ये पॉजिटिव नहीं है, ये भी लॉस में ही है अभी भी। तो रिजल्ट का तो बड़ा बुरा हाल है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं तो वो भी माइनस में रहा है, जो कि -2.75% की गिरावट के साथ रहा है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो चार्ट पर डिटेल देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आप देखेंगे कि ये लेवल्स, यानी ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और इस लेवल के बाद यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर भागना स्टार्ट किया, तब से ये आप देखेंगे कि अपर सर्किट देखने को मिला। तो दोस्तों इस शेयर में हमें करना क्या चाहिए? तो अगर आप फ्रेश एंट्री के चक्कर में पड़े हैं तो अभी इस शेयर से दूर रहिए, क्योंकि अभी अगर फ्रेश एंट्री लेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि RSI, जो कि RSI है, वो काफ़ी महंगा हो चुका है, लगभग 93.30 पे चल रहा है। तो अभी इसमें करेक्शन भी आएगा, अगर ये अपर सर्किट पे भाग भी रहा है तो जल्दी इसमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में जनरेट हो रहा है, तो शेयर में ग्रोथ के साथ साथ वॉल्यूम भी है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फंडामेंटली काफ़ी वीक है, और रिटेल में अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप डीमार्ट जैसे अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इनकी अपेक्षा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, तो मेरे ख्याल से पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अलावा सेम बिजनेस में इनके मार्केट लीडर पड़े हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट करिए, इन शेयर से दूर रहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।